हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और हम सब इंडियन फुटबॉल फैंस इतने एक दो हफ्ते से ये सोच रहे थे कि यार AIFF कुछ ना कुछ तो अपडेट देगा कि हमारे नया फुटबॉल कोच कौन होगा, हेड कोच कौन होगा इंडियन फुटबॉल टीम का, एंड क्या कुछ खबर आएगी, क्या शॉर्टलिस्ट नेम्स आएंगे सामने। लेकिन ये न्यूज तो नहीं आई, लेकिन दूसरा कुछ न्यूज आ चुका है। जी हाँ, यहाँ पर AIFF ने हेल्प मांगी है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से कि भाई स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को वो कहते हैं कि भाई हमें प्लीज पैसा दे दो, सो दैट कैसे कि हम सैलरी पे कर सके जो न्यू हेड कोच हमें बनाने वाले उसका। अभी क्या है पूरी कहानी, क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर AIFF टू स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, ये वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो थिंग इधर के हम सबको होता है कि इगोशिमा चला चुका है और नाउ वी आर इन अ फाइंड और वी आर इन अ हंट टू फाइंड अ न्यू फुटबॉल कोच फॉर इंडियन फुटबॉल टीम। एंड उसी के लिए यहाँ पर AIFF ने रिक्वेस्ट किया स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को कि भाई आप एक लार्ज चंक ऑफ अमाउंट सैलरी का जो होने वाला है हमारे नए कोच का, तो वो भरिए, सो दैट कैसे कि हमें एक फाइनेंशियली हेल्प मिल जाएगा और हमारे ऊपर जो फाइनेंशियल बर्डन है तो वो उतर जाएगा। बिकॉज हम सबको पता है कि बजट रिड्यूस हो चुका है, बहुत सारे लीग्स, बहुत सारे जो इंडिविजुअल प्राइजेस है उसको बहुत कम कर चुका है, बहुत सारे एरियाज हैं जहां पर जो बजट था लास्ट में उससे बहुत कुछ कम कर चुके हैं। सो दैट्स व्हाई यहां पर AIFF चाह रही है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की आप थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए या तो थोड़ा ज्यादा हेल्प कर दीजिए, और सो दैट कैसे कि हमारे के ऊपर जो फाइनेंशियल बर्डन है तो वो थोड़ा कम हो जाए। अभी यहां पर एज यू ऑल नो इगोर शिमाच ने बोला है, पहली बात तो ये कोच वो तो जान दो, पहली बात तो AIFF को पैसा देना है इगोर शिमाच को, बिकॉज हम सबको पता है 3 या 6 करोड़ जब हमने इनको निकाला था ड्यू टू वो गंदा कॉन्ट्रैक्ट जो साइन किया था, तो वहां पर पहले बात तो AIFF को पैसे देने 3 से 6 करोड़ टू इगोर शिमाच, अदरवाइज वो फीफा जाएगा है, वो ब्ला ब्ला करेगा, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर कि AIFF क्या करेगी। अभी तीन या चार साल पहले एक AIFF ऑफिशियल ने बोला था कि 3 या 4 साल पहले जब इगोर शिमाच 2019 में आया था तो तभी भी उसका जो व्हाट इज सैलरी था उसका 60% ऑफ द सैलरी वो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री यानी जो गवर्नमेंट है उन्होंने दिया था। एंड द थिंग इज दैट इट इज अ कॉमन प्रैक्टिस, एक AIFF के ऑफिशियल बोलते हैं कि ये कॉमन है, ये चलता रहता है, इट्स अ नॉर्मल प्रैक्टिस कि भाई जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है वो दूसरे स्पोर्ट्स के नेशनल टीम्स को, नेशनल टीम के जो हेड कोचेस हैं उनकी सैलरी आधे से आधा वो लोग भरते हैं। अब द थिंग इज दैट कि ये मुझे पता नहीं बिकॉज आई डोंट हैव एनी आइडिया ऑन दिस, बट AIFF के जो ऑफिशियल्स है उन्होंने यहाँ पर ये चीज कही है। एंड यहाँ पर इसके ऊपर मिनिस्ट्री का रिस्पॉन्स क्या है, तो मिनिस्ट्री का ये रिस्पॉन्स है कि द थिंग इज दैट कि जो न्यू मिनिस्ट्री वो आ चुके हैं, उसका नाम मुझे पता नहीं बट आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, तो न्यू मिनिस्ट्री आ चुकी है, तो इट विल टेक टाइम एंड वो टाइम लेके डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। तो उनके हिसाब से, उनके तरफ से अभी तक तो कुछ व्हाट इज खबर या तो कुछ एडवाइस या रिस्पांस आया नहीं है। एक और चीज, यहाँ पर जो AIFF जो बजट है तो वो भी तय नहीं हुआ है। जी हाँ, जो बजट होने वाला है फॉर द न्यू हेड कोच ऑफ इंडियन फुटबॉल टीम की जो है, तो उसका जो बजट है तो वो भी AIFF ने अभी तक डिसाइड नहीं किया है। तो ये सारी चीज चल रही है यहाँ पर। एंड द थिंग इज कि हाँ, ये सब भी मैंने बोला तो भाई ये चल रहा है यहाँ पर, AIFF के पास पैसे की कमी है और होगी भी क्यों ना, बिकॉज आपको इगोर शिमाच को पैसे देने हैं, आपके पास पहले से आपने बजट तो कम कर दिया, आपके पास बहुत पैसे है ही नहीं, और ऊपर से नए कोच की जो सैलरी है उसका भी आपने बजट जो फिक्स नहीं किया है कि क्या होने वाला है, तो भाई ये सब चीज़ है। तो हम एज ए इंडियन फुटबॉल फैन हम सोच रहे थे 3 जुलाई के बाद कि चलो ठीक है यार, आज के दिन में कुछ न्यूज़ आएगा, आज के दिन में AIFF कुछ ना कुछ तो अपडेट देगा, अपडेट तो नहीं मिला, लेकिन ये थोड़ा डेंजर वाली न्यूज़ मिल चुकी है कि भाई पैसे ही नहीं है, और पैसे के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट के ऊपर वड़ी से गवर्नमेंट को मांग रही है कि भाई प्लीज हमें हेल्प कर दो। अभी तो थिंग इधर कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट। अभी आप मुझे पूछोगे तो यार भाई मेरे को तो कुछ होप्स लग नहीं रहे, बिकॉज जिस तरीके से हमने जो काम किए हैं, कर्म किए हैं, कोर्ट कचहरी के ये सब गंदी बकचोदी की है, गंदगी फैलाई है यहाँ पर, और वो सबको दिखता है, ऐसा तो है नहीं है कि सब लोग आग पर बड्डी पट्टी बांध कर बैठे, दे एवरी वन हैज इंटरनेट, सब लोग पढ़ते रहते हैं, तो ऑब्वियसली सबको पता है कि क्या हरकतें चल रही है। तो ये सबको देख के अभी गवर्नमेंट क्या करेगी वो डिपेंड करेगा, जो नए स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है तो उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो हेल्प करेंगे अपने इंडियन AIFF को। यहाँ पर मैं एक चीज बोलूंगा कि जितना AIFF, ठीक है, अभी इट ऑल डिपेंड्स ऑन AIFF की AIFF कैसे कन्विंस करता है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को, कि AIFF किस तरीके से बात करता है, किस तरीके से रिलेशन बिल्ड करेगा स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के साथ, सो दैट कैसे है कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री थोड़ा सा जाले में आ जाए, थोड़ा सा बटर मस्का लगा के थोड़ा पैसे दे दे, या तो अगर पूरा पैसा भी नहीं, या तो जितना AIFF रिक्वेस्ट कर रही है उतना स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री रेडी नहीं होती, तो मैं तो बोलूंगा कि भाई जितना मिल रहा है उतना ले लो, ठीक है। तो AIFF बोलना चाहिए, पहले तो बोलो कि भाई इतना चाहिए, और अगर नहीं मान रहे तो बोल दो भाई कि जितना हो सके प्लीज दे दो, बिकॉज हमें बहुत जरूरत है, तो जितना मिल रहा है उसमें खुश रहो, एंड बाकी का तो भाई देख लो, लोन वगैरह ले लो, कुछ भी कर लो भाई, अपने जेब में से डाल दो, बिकॉज आप लोगों ने खुद के काम के लिए तो पैसे लिए थे, तो अभी आपको खुद के जेब में से डाल दो पैसे, शाजी को बुलाओ, किसको भी बुलाओ, तो किसको तो करो भाई। तो ये न्यूज है दोस्तों, भाई जरूर बताना कि आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में, और क्या लगता है कि क्या स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हमें हेल्प करेगी AIFF को या नहीं करेगी, लेट मी नो इन द चैट सेक्शन।
नोटिफिकेशन। मिलेंगे एक और नए वीडियो में, जब तक आप आपका एंड आपके फैमिली का ध्यान रखिएगा। बाय, टेक केयर।